हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डिजिशाला जेई नीट। आज के क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे और उसके आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे बारे में वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे रिलेटेड जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और जितना ज्यादा हो सके ना इस इनिशिएटिव को जितना ज्यादा आप प्रमोट कर सकते हैं आप कर सकते हैं। इसको आप इसको शेयर करते रहिए, है ना। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि आप जरूर जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। वहां पे हम लोग अक्सर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस वहां पे करते रहते हैं, तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल स्टेप है। टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है, उस ग्रुप पे क्लिक करना है और आराम से आप ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं और आप बेनिफिट को यहाँ पर उठा सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन सेल में और क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, एक केस और मैं लेकर चलता हूँ आपके सामने, हाइड्रोजन वाला ही। ये है आपका पीटी सॉलिड, H2 गैस, H+ एक्वस, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं इस बार, H+ एक्वस, H2 गैस, पीटी सॉलिड। ये हमारा हो गया नेट एक सेल रिएक्शन। हमने यहां पर एक IUPAC रिप्रेजेंटेशन सेल का हमने कर लिया। अब देखते हैं जरा क्या है। यहां पे प्रेशर दिया है P1, यहां पे प्रेशर दिया है P2, यहां पे कंसंट्रेशन दिया है C1, यहां कंसंट्रेशन दिया है C2। अब हमें कहता क्या है कि हमें यहां पर इस सेल का वैल्यू निकालना है, पहला बात तो ये है, और बताना है कि सेल स्पॉन्टेनियस है या डेल्टा जी नेगेटिव है। अगर तो ऐसे में C1, C2, P1, P2 में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमको डिराइव करना है। रिलेशन को क्या करना है, डिराइव करना है। किसके लिए करना है, एक स्पॉन्टेनियस सेल के लिए या तो जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, दोनों सेम बात है, इसलिए उसके लिए आप एक रिलेशन यहां पे निकालिए। तो हम लोग जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। एनोड पे फिर से रिएक्शन लिखिए ऑक्सीडेशन का, तो लिखेंगे H2, यहां ये कन्वर्ट होगा किसमें, 2H+ में ऑक्सीडेशन, और यहां दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे कैथोड पे रिएक्शन, क्या लिखेंगे, 2H+, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 के अंदर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। और हम लोग दोनों को ऐड करके क्या है, देखिए ध्यान से रखिएगा, यहां पर ये एनोड वाला है तो इसका प्रेशर है P1, ये यहां पर आपका है, यहां पर प्रेशर क्या, P2। ये है आपका एनोड वाला, कौन सा है ये, C1, और ये कौन सा है, कैथोड वाला, तो ये है आपका C2। तो आप अब एक रिएक्शन लिख दीजिए और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको बताइए, यहां पे मिलेगा हाइड्रोजन, प्लस में मिलेगा 2H+, फिर मिलेगा हाइड्रोजन, फिर मिलेगा 2H+। अब मैं समझ सकता हूं आपके हाथ में खुजली हो रही होगी कि H2 को काटते हैं, H+ को काटते हैं, बट थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। क्यों कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि चेहरा सेम है बट कैरेक्टर अलग अलग है। तो यहाँ पर H2 का वैल्यू यहाँ P1 हो गया और यहाँ पर क्या लिखेंगे, P2। क्यों, देखिए ये H2 कौन सा वाला है, एनोड वाला, तो P1 वाला है, ये P2 वाला है, ये C2 वाला और ये C1 वाला, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे, ये C2 वाला है और ये यहाँ C1 वाला है। अब लगा देंगे नोस्ट इक्वेशन, तो इस सेल का वैल्यू लिखेंगे, E0 सेल हो गया 0 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 0.0591। हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में ना दे तो आप भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 ले लेंगे और लॉग ले लेंगे और यहाँ पे Q लिखेंगे। अब जरा Q देखिए कैसे लिखेंगे,
इस रिएक्शन का क्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ चूंकि प्रेशर है ना, गैस है तो प्रेशर है, तो हम लोग लिख देंगे पी टू, और यहाँ पे लिख देंगे एच प्लस का पावर कितना बताइए, दो, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वन का स्क्वायर। फिर यहां लिख देंगे पी वन और यहां पे लिख देंगे सी टू और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया क्यू। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो क्या लिख देंगे पी वन ना पी टू, सॉरी यहां पर आ गया सी वन स्क्वायर, यहां पे बटा में हो गया पी वन और यहां पे हो गया आपका सी टू स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पे। तो ये आपका ई सेल का रिलेशन आ गया, जीरो को हटा दीजिए वहां से आ जाएगा। अब जो सेकंड जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमको इसको स्पॉन्टेनियस करना है तो क्या रिलेशन होना चाहिए, तो अगर फॉर, यहां पे लिख सकते हैं ऐसा, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन क्या होना चाहिए, ई सेल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ई सेल ग्रेटर देन जीरो के लिए फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, यहां माइनस लगा हुआ है तो लॉग को पूरे को नेगेटिव करना पड़ेगा, और लॉग पूरा नेगेटिव कब होता है बताइए, जब उसके अंदर का कंपोनेंट क्या हो जाए, लेस देन वन हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है, हमने बताया था आपको कि लॉग अगर बेस में टेन है, यहाँ एक्स है, तो ये नेगेटिव तभी होता है जब एक्स का वैल्यू जो है वो लेस देन वन होता है। तो हमारे पास एक्स की जगह पे क्या है बताइए, हमारे पास x के जगह पर ये वाली वैल्यू है, तो ये वाले वैल्यू को क्या करना है, लेस देन वन। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर p2 into c1 square बटा में लिखेंगे p1 into में c2 square, है ना, देख सकते हैं यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। सो अब जरा इसको सॉल्व कर लेंगे, लेस देन वन कर दीजिए और इसको अरेंज कर लीजिए, तो यहां से आपका आंसर क्या मिल जाएगा बताइए, p2 C1 स्क्वायर लेस देन P1 C2 स्क्वायर, यही आपका कंडीशन होगी। क्वेश्चन में अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो भी बोलता तो भी आपका क्या करना है, सेम ही चीज हमको लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कुछ नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है ना, एक बात, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, जो सेम सेम है काट देना है, जो सेम नहीं है उसको लिख के और फिर वहां से क्यू निकाल के नर्स्ट इक्वेशन लगा देना है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका केस थ्री भी इस तरह से बहुत सिंपली आपका खत्म होता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और उसके बाद कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू। एक एग्जाम्पल मैं फिर से ले लेता हूं, देखिए एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, पीटी यहां सॉलिड है मान के चलते हैं, H2 है, ये गैस है, H+ है, ये आपका एक्वस है, H+ है, ये भी एक्वस है, H2 है, ये गैस है, PT है, ये यहां सॉलिड है। H2 का प्रेशर वहां 1 atm दिया हुआ है, मतलब हम लोग प्रेशर में छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रेशर कितना है 1 atm दिया हुआ है। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को भी दिमाग में रख सकते हैं, ये एग्जाम्पल जो हम लोग कंसीडर किए हैं, अगर आप चाहें तो ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना चाहते तो आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता याद करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको एग्जाम में करना होगा। ये जरूरी नहीं कि H2 का ही यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे, कोई और भी दे सकता है, क्लोरीन दे के पूछ सकता है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, डिराइव कर लीजिए, थोड़ा डेरिवेशन दिमाग में रखना है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, तो ये 1 atm है, हाँ, इसको हम लोग लिख रहे हैं सी वन और इसको हम लोग लिख रहे हैं सी टू, या इस एच प्लस को, ये कौन सा एच प्लस है, एनोड वाला एच प्लस, और ये कौन सा एच प्लस है, ये है कैथोड वाला एच प्लस। एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एनोड पे रिएक्शन लिख दीजिए पहले, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, एच टू कन्वर्ट होगा किसमें, टू एच प्लस में, और दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर यहाँ पर कैथोड हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे बताइए, टू एच प्लस, दो इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट होगा H2 के अंदर। H2 तो सेम सेम है, शक्ल भी सेम है, कैरेक्टर भी सेम है, मतलब ऐसा भी मूवी आता है ना बॉलीवुड के अंदर, ऐसी मूवी आती है कि स्टार्टिंग में वो लोग दो रूप दिखाते हैं, एक बंदे का दिखाते हैं, एक हीरो रहता है जिसका डबल रोल चल रहा होता है, और एंड में जाके क्लाइमेक्स में जाके पता चलता है कि अरे यार ये डबल रोल तो था ही नहीं, सेम ही इंसान दो तरह का वो काम कर रहा था, ऐसा होता है ना बहुत सारी मूवीज है। मुझे तो
पता है आपको भी शायद ज्यादा पता होगा अगर आप मूवी देखते हैं तो यहाँ पर H2 और H2 का शक्ल भी सेम है और ये डबल रोल में नहीं है, यहाँ सिंगल रोल है उसका, है ना, बस दो जगह पे आ गया है। तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए और इसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बच जाता है ये वाला 2H+ और ये कन्वर्ट हो जाता है 2H+। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला है कैथोड वाला और ये वाला है एनोड वाला। तो अब हम लोग यहां पे नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू माइनस में लिख सकते हैं 0.0591 बाय कितना 2, और लॉग में लिखेंगे ये वाले एच प्लस का क्या बताइए, ये वाले एच प्लस का पावर में 2, तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ये कौन सा वाला है बताइए, ये वाला है, देखिए यहां पर ये राइट साइड में एनोड वाला है, तो लिखेंगे एनोड वाला पावर में कितना 2, और बटा में लिख सकते हैं यहाँ पे एच प्लस कौन सा वाला कैथोड और पावर में कितना 2। तो ये हो गया आपका ई सेल का यहाँ पे फॉर्मूला। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला शायद याद हो, लॉग है, बेस में 10 है, एक्स है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि पावर का जो रहता है लॉग में पावर जो है वो इंटू में आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा जानते हैं कि ये 2 इंटू लिख सकते हैं क्या लॉग, बेस में 10 और यहाँ x लिख सकते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको लॉग में इतनी बेसिक जानकारी होगी, अगर नहीं है तो आप बता दीजिए, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ नहीं है। लॉग में ऐसा देखते हैं कि पावर जो रहता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है आगे आके, बस इतना ही है। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। अब देखिए यहाँ भी h प्लस का स्क्वायर है, यहाँ भी h प्लस का स्क्वायर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि h प्लस का होल स्क्वायर है, और ये होल स्क्वायर फिर बाहर आके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला बच जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू में लिख सकते हैं लॉग h प्लस का कंसंट्रेशन बटा में h प्लस का कंसंट्रेशन। और अब देखिए H प्लस कौन सा वाला ऊपर में है, एनोड वाला, और यहाँ कौन सा है कैथोड वाला। तो ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि मुझे क्या है कि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है, इसलिए आप अभी के लिए इस फॉर्मूला को मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेगा हम वहां पर इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका, एकदम एक एक चीज को समझ के आगे बढ़ना है। कहीं भी दिक्कत हो रही है अगर आपको, तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, सुनिए उसको कि क्या बोला जा रहा है, किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कान को झनझनाइए कि हो सकता है सही से सुन नहीं रहे हो, तो उस तरह से आप करके देखिए। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप हमको थोड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि सर ये वाले चीज में दिक्कत है, तो असली दिक्कत है तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे हम लोग, आगे इसका जो रेफरेंस हम आपको देते रहेंगे और उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल को लेके चलते हैं, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल के आधार पे। ये ना IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा था, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है ये। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका और ये वाला क्वेश्चन 2 हो गया, ये वाला क्वेश्चन 2 हो गया, और दोनों के लिए डेटा ये है, यहां पर दिया है। देखिए m सॉलिड m प्लस में जा रहा है, एक्वस है, मोलर यहां मोलारिटी दिया हुआ है, m प्लस यहां एक्वस है, मोलारिटी दिया हुआ है, और यहां m सॉलिड दिया हुआ है। अब आप जरा समझिए जरा सा, क्या आपको ये एक स्पेशल टाइप का सेल नहीं नजर आ रहा है? देखिए यहां पर एनोड भी क्या है, m है, और कैथोड भी क्या है, एम है। तो क्या इसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे इसको, क्यों? चूंकि यहां पर एनोड और कैथोड सेम मटेरियल से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन सेल है। और कंसंट्रेशन सेल है तो सबसे पहला बात आपको जो नोट करना है वो ये कि यहां पर इनोड सेल का वैल्यू क्या लिख देंगे बताइए, 0 लिख देंगे। बस इसको आप अगर कर जाते हैं
तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब जरा क्वेश्चन को और आगे पढ़ लेते हैं। देखिए मोलारिटी दिया है ना, ये सब C1 C2 के जगह पे वैल्यू दे दिया है, कोई और कुछ काम नहीं है। बोलता है अबव इलेक्ट्रोलाइट सेल, मतलब यही कॉन्सेंट्रेशन सेल का नाम बता रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेल बोलता है, सेल पोटेंशियल मतलब जो EMF ऑफ सेल है ना उसका मैग्नीट्यूड देता है। कितना मैग्नीट्यूड देता है? 70 मिली वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब कि जो ई सेल का वैल्यू है वो 70 मिली वोल्ट दे रहा है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कि ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में इतना नहीं दिया है, क्वेश्चन में बस मैग्नीट्यूड दिया है। अब क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बताइए कि ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, और ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा। तो हम लोग देखिए तुरंत निकाल लेते हैं इसमें क्या है, बहुत सिंपल चीज है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला चीज तो है यहाँ पर हम लोगों को, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि ई सेल लेस देन जीरो है, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी नॉट, और ये सब यहाँ पर चीजें आपको पूछ रहा है। तो आपको ये बताना होगा कि किस तरह से ये सेल काम करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। एक चीज यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन, एम कन्वर्ट होगा एम प्लस के अंदर, प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये कहां पे होगा बताइए, एनोड पे। कैथोड पे हम लोग रिएक्शन लिखेंगे एम प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका एम। हम लोग सबसे पहले इस चीज को देख रहे हैं कि आखिर ये जो सेल का ईएमएफ है वो मॉड दिया है ना, तो वो प्लस है कि माइनस है, हम ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अभी हम लोग सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जरा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। देखिए अब इस चीज को आप क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, ये एम सॉलिड सेम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ एन का वैल्यू कितना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम प्लस, और ये जाएगा किस में, एम प्लस में। लेकिन ये एम प्लस का कंसेंट्रेशन, ये एम प्लस कौन सा वाला है, कैथोड वाला, जिसका मोलारिटी कितना है, 1 दिया हुआ है, और इसका मोलारिटी 0.05 दिया हुआ है। अब यहाँ ई सेल लगाइए, लिखेंगे बताइए, देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, है ना, और क्वेश्चन में कोई भी डेटा इस तरह से नहीं है जो बता रहा है कि टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन चाहता है क्यों, देखिए यहाँ पे आपको मॉड के वैल्यू के अंदर ये सम मतलब ये छिपा लिया है कि आखिर क्या है, है ना। तो आपको यहाँ टेम्परेचर मान के चलना है, मान के चलते हैं कि जीरो ई नॉट सेल, यहाँ पे लिखेंगे क्या बताइए, 0.23 ऐसा आरटी। टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा नहीं, आप कुछ भी लेके चलेंगे ना, आपको आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, 1 और इंटू यहाँ पर एफ लिख देंगे, और अब लिख देंगे लॉग। अब जरा समझिए यहाँ पर एक चीज को, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा आप, क्या है बात यहाँ पे समझते हैं। जो ई सेल है आपका, वो आपका कुछ इस तरह से है, जीरो माइनस में हो गया ये वाला चीज, ठीक है, लॉग। अब क्यू का वैल्यू लिखेंगे, तो क्यू क्या, प्रोडक्ट, और बटा में कितना बताइए, रिएक्टेंट 1, और आपको इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, 5/100 जो कि आ गया 1/20, और ये 1/20 का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है ना, Q यहाँ लेस देन 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे Q जो कि कितना है, 1/20। अब जरा समझिए यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये वाला पूरा वैल्यू जो है वो क्या है, वैल्यू है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो अब जरा सोचिए ये लॉग जो है, हमने आपको बताया है कि लॉग में ये जो वैल्यू, ये जो एक्स है, अगर ये एक्स लेस देन 1 होगा तो ये लॉग नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव मिलकर क्या कर देगा, ई सेल को पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब कि यहाँ जो मैग्नीट्यूड दिया है 70 मिली वोल्ट, इसका मतलब है कि सेल का ईएमएफ जो है वो आपका पॉजिटिव है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। So, यहां से हम लोगों को ये पता चल गया कि जो ई सेल जो मॉड दिया हुआ था, क्योंकि मॉड तो हमेशा क्या होता है बताइए, पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ई सेल क्या प्लस है कि माइनस है, तो ई सेल पॉजिटिव निकल के आया, तो हम लोग ये माइनस वाला हटा देते। तो ई सेल का वैल्यू कितना है, तो प्लस में 70 मिली वोल्ट है, ये हम लोगों को निकल गया।
तो अब इसके आधार पे हम लोग अपने ऑप्शंस को चूज करते हैं। तो ई सेल लेस देन जीरो, ये गलत हो गया, ई सेल ग्रेटर देन जीरो। तो अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, लिखने में मिस्टेक हो गया, डेल्टा जी नॉट नहीं होगा यहाँ पर, क्या है डेल्टा जी नॉट के जगह पे आप लोग इसको डेल्टा जी कंसीडर कीजिएगा, वो टाइपिंग एरर हो गया है, थोड़ा बहुत होता रहता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब घबराने की बात नहीं है। हो सकता है जिससे मैंने टाइप करवाया वो दारू पी के बना रहा हो, तो इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर डेल्टा जी नॉट के जगह पे डेल्टा जी है। अब सोचिए ई सेल अगर पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपका ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, है ना, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग चूज कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक एरर और हो गया है, यहाँ पर देखिए एक एरर जो है यहाँ पर और हो गया है, इसके ऑप्शंस में जो है ना वो एरर हो गया है, इसके ऑप्शंस में एरर हो गया है। एरर ये हो गया है कि चार ऑप्शंस यहाँ पे होने चाहिए थे। चार ऑप्शंस कैसा होना चाहिए, देखिए ई सेल लेस देन जीरो है और यहाँ डेल्टा जी, सबसे पहला बात तो एरर है कि डेल्टा जी नॉट नहीं लेना है, डेल्टा जी बोलना है उसको, है ना, डेल्टा जी बोलना है सारे ऑप्शंस में। तो अब देखिए पहला क्या है, ई सेल लेस देन जीरो है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, तो एक ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। ई सेल ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा जी लेस देन जीरो है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, तो ये हो गया। ई सेल लेस देन जीरो है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, ये यही वाला ऑप्शन यहाँ लिख दिया है गलती से, यहाँ पर ये साइन होना चाहिए और यहाँ पर ये साइन होना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन में आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। मुझे बिल्कुल ये पता चल गया कि जो टाइपराइटर है जो टाइप किया है वो बिल्कुल दारू पी के बनाया है इसको, इसीलिए वो इतनी भारी गलती कर दिया है इसके अंदर। सो इसके लिए मैं आपसे मतलब थोड़ा अपोलॉजी लेटर तो लिख नहीं सकता, आपको बस मैं बता ही सकता हूँ, इसलिए आप इसको मान लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर ई सेल ग्रेटर देन जीरो हो गया और जो ई जो सेल अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो हो गया, है ना। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा और ये आपको असली क्वेश्चन जब आप देखेंगे आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में तो आपको वहां पर ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें एरर हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते देखिए, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि बोलता है कि जो 0.05 मोलर सॉल्यूशन है एम प्लस का, उसको रिप्लेस कर दिए किससे, 0.0025 एम प्लस सॉल्यूशन से। कहने का मतलब क्या है, देखिए स्टार्टिंग याद कीजिए, यहां पर क्या है, ये है आपका 0.05 मोलर, तो बोलता है कि इसको रिप्लेस कर दिया, कितना से कर दिया रिप्लेस, तो यहां पर कर दिया आपको रिप्लेस, ये कर दिया 0.0025 से। इसका मतलब Q का वैल्यू बदल गया, इसका मतलब यहाँ पर जो Q का वैल्यू 1/20 आया है वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q के जगह पे हमने क्या लिया बताइए, ये वाला लिया था वैल्यू, अब इसके जगह पे वैल्यू सिर्फ कितना रख देना है, तो 0.0025 रख देना है और बाकी राइट साइड में कोई चेंज नहीं किया है, तो हम लोग नया Q निकाल लेते हैं। सो नया Q का वैल्यू निकाल लीजिए, तो नया Q का वैल्यू आ जाएगा कितना बताइए, 0.0025 और बटा में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मतलब अगर वन लिखेंगे पहले तो, और फिर यहाँ से हम लोग इस डेसिमल को हटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 और बटा में आ जाएगा आपका इस तरह से 40, ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर अगर मन है तो सॉल्व कर लीजिए, है ना, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो बताइए कितना आएगा, बताइए आप ही बताइए, 1/400 आ जाएगा और 1/400 को क्या लिख सकते हैं, 1/20 का स्क्वायर हो गया ये, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे Q का वैल्यू जो है जो पहले Q आ रहा था उस वाले Q का स्क्वायर हो गया। तो अब जरा बताइए अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे E cell is equal to माइनस में 2.303 RT by में कितना 1 into f log 1/20 और यहाँ पे 2, अब ये 2 को बाहर ले जाइए और जरा आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको बाहर ले जाएंगे तो अब 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक चीज बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये वाला बचेगा 2.303 माइनस के साथ माइनस 2.303 आर टी बाई में 1 f और लॉग में बचेगा 1/20, क्योंकि 2 तो बताए थे ना, लॉग में अगर पावर है तो क्या हो जाएगा, इंटू में चला जाएगा,
तो टू इंटू में चला गया और ये पूरा का पूरा चीज बच जाएगा ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा। और ऐसा का ऐसा वैल्यू जो है क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है, हम लोग जो कैलकुलेशन किए यहाँ पर उस समय, तो इस समय तो इसका वैल्यू निकल गया ना, ये वाला चीज, यही चीज तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जो ई सेल है आपका वो कितना था, 2.303 RT/1F log 1/20, और इसी का वैल्यू तो क्वेश्चन क्या बोला है कि वो 70 मिली वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में 70 मिली वोल्ट आप यहाँ पे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 मिली वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा 140, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करवाया था। ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बोलता है, तो हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे कि एनोड में जितना H प्लस है वो, और बटा में कैथोड का जो H प्लस है वो, इसको इस्तेमाल करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो कैसे देखिए आप, सेम चीज है, PT है, H2 यहाँ 1 ATM है, यहाँ पर देखिए KOH है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना कि यहाँ पर तो OH माइनस आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जब हम बेस डालते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि सॉल्यूशन में सिर्फ OH माइनस ही है। किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, H प्लस भी तो है ना, वाटर भी तो है वहां पर, तो H प्लस भी वहां पे रहता है। तो बेस से जो H प्लस आया वो, तो आपको KOH दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आप OH माइनस के मदद से H प्लस का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो उसको दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पर H प्लस आ गया, तो ये H प्लस कितना है, तो ये आप मान लीजिए कि इसको आप बोल रहे हैं एच ए क्या है, एनोड है, इसको आप सी वन बोल दीजिए, है ना। और यहाँ पर जो HCl है उसको आप यहाँ पर C2 बोल दिए, क्योंकि HCl से तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर H प्लस सीधा सीधा आएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है ई सेल का। ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखे थे, माइनस में 0.0591 बाई कितना लिखे थे बताइए, बाई नहीं था वहां पे, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बाई 1 तो 2 कट गया था, तो आ गया यहाँ पे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ऐसा, इंटू में लॉग लिखेंगे H प्लस। अब बताइए एनोड, एनोड कौन सा जो KOH से जो H प्लस आया वो, बटा में लिखेंगे H प्लस कौन सा जो HCl से आया वो। अब देखिए HCl से जो H प्लस आया वो तो बहुत आसान है, बोलिए क्यों, देखिए ये जो N है वो नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी और मोलारिटी को हम लोग ऐसे फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू क्या बोलते हैं एन फैक्टर, क्या बोलते हैं, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। और देखिए कोई भी जो बेस है आपका KOH है चाहे HCl है, तो आपने स्टडी कर रखा होगा कि इन सब का एन फैक्टर 1 ले लेते हैं हम लोग, HCl से कितना H प्लस आएगा 1, KOH से कितना OH आएगा 1, तो हम लोग एन फैक्टर 1 ले लेंगे। एसिड और बेस का जो एन फैक्टर होता है वो उसके H प्लस और OH माइनस देने की कैपेसिटी से डिसाइड होता है। तो HCl कितना कैपेसिटी है H प्लस देने का, एक ही तो है ना, तो N फैक्टर 1 हो गया, और इसके लिए भी N फैक्टर 1 क्योंकि ये बेस है, और कितना OH देगा 1 देगा, तो इसका भी N फैक्टर 1। तो सोचिए जब इसका N फैक्टर 1 हो गया तो नॉर्मैलिटी मोलारिटी सेम हो गया, इसका मतलब इसका मोलारिटी 1 है यहाँ पे और इसका मोलारिटी N बाई 10 मतलब 1/10 है, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 0.1। तो इतना समझ गए कि नहीं, आप ये बताइए। अब HCl का कैलकुलेशन कीजिए, तो क्या हो गया, HCl को लिख सकते हैं कैसा, H प्लस और ये Cl माइनस। तो अगर HCl 0.1 है तो इसका मतलब कि वो कितना H प्लस देगा, पूरा पूरा टूट रहा है तो एक मोल से एक मोल देगा, तो इसका मतलब 0.1 से कितना देगा, 0.1 देगा, इसका हमको जरूरत है नहीं, वैसे ये भी कितना आएगा 0.1, तो इसका मतलब HCl वाला H प्लस तो आ गया, कितना आ गया 0.1। अब KOH वाला निकालिए, तो KOH वाला कैसे निकालें, तो लिखेंगे यहां पर KOH बराबर लिखेंगे K प्लस और OH माइनस, लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए बिल्कुल आसान है। KOH का कितना है 1, तो इसका मतलब OH भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एकदम दिमाग में रखना है इसको यहां पर। तो OH माइनस तो कंसंट्रेशन आ गया कितना, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया 1 आ गया। अब आप लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर H प्लस और OH माइनस का कोई रिलेशन होता है क्या कि आयोनिक के अंदर, तो होता है। हम लोग ऐसा लिखते थे आयोनिक के अंदर कि जो H प्लस होता है
इनटू में जो ओएच माइनस होता है उसको हम लोग लिखते थे के डब्लू, और इसको हम लोग लिखते थे 10^-14। आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये कब इस्तेमाल करते हैं इसका, जब सॉल्यूशन में OH माइनस कहीं से आ रहा हो और H प्लस निकालने की जरूरत हो। तो OH माइनस कितना है बताइए, OH माइनस है 1, तो यहाँ से H प्लस कितना आ गया बताइए, तो H प्लस का वैल्यू आ गया यहाँ से 10, बताइए कितना, 10^10 यहाँ पे आ गया -14, है ना, ये वाला चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको ये कैथोड वाला H प्लस भी आ गया, सॉरी ये कैथोड है कि एनोड है, एनोड वाला आ गया, और ये आपका यहाँ पर कौन सा वाला है, ये कैथोड वाला है। तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर, तो इसके जगह पे लिख देंगे ओ एच माइनस से कितना आया 10^-14, और यहाँ से कितना आया, तो ये आया 0.1। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर दिए हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे, सबसे पहले ये समझना है कि KOH से यहाँ पर H प्लस नहीं आएगा, OH माइनस आएगा, लेकिन OH माइनस अगर सॉल्यूशन में है तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि H प्लस नहीं होगा वहां पे। सॉल्यूशन में कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर H प्लस भी है, OH माइनस भी है। बेसिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां OH माइनस H प्लस से ज्यादा है ना, लेकिन H प्लस है जरूर। तो हम लोग KOH से पहले OH माइनस निकाल लिए और उसके बाद उसको H प्लस से कन्वर्ट कर दिए, किस फॉर्मूला से, तो ये वाला फॉर्मूला जो कि आयोनिक के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मान लीजिए, मेरे बात को भरोसा कर लीजिए, मैं आपको यहाँ गलत पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। तो इसलिए H प्लस OH माइनस इसको बराबर कर ले, वहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया। उसके बाद HCl से आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, H प्लस H प्लस आ गया, फॉर्मूला पहले से निकाल के बैठे हैं, वहां पे पुट कर देंगे। एक और चीज था कि नॉर्मैलिटी दिया हुआ था, तो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का भी हम लोग फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, और एसिड और बेस का एन फैक्टर कोई पूछे कि कैसे निकालते हैं तो आप बता दीजिएगा कि एसिड का एन फैक्टर एच प्लस देखते हैं कि कितना एच प्लस देगा। जैसे H2SO4 का एन फैक्टर 1, मतलब हम लोग 2 बोलेंगे, है ना, 1 भी बोलते हैं 2 भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो एक एच प्लस भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, तो हम लोग 2 बोलेंगे। लेकिन HCl का कितना, तो 1 बोलेंगे। KOH का कितना, तो 1 बोलेंगे। NOH का कितना, तो 1 बोलेंगे, क्योंकि बेस का OH माइनस के कैपेसिटी से डिसाइड होता है। तो आज के लिए गाइस हम लोग यहीं तक रखते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल भरोसा है कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जो लेक्चर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक, छोटा सा छोटा टॉपिक भी आपको कवर कराते चल रहा हूँ, बहुत डिटेल में कर रहे हैं। सो आप टाइम का बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, हम लोग जब इसको फिनिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, और इसमें किसी तरह के क्वेश्चन को ना आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा। सो आप थोड़ा भरोसा रखिए और आराम से करते रहिए, जो भी क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ उसको करते रहिए। तो हम लोग आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं, और थोड़ा इस मतलब इनिशिएटिव को आप प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। समय बर्बाद नहीं करना है, बट एक दो दोस्त को बता दीजिए, अगर बात हो रही है तो बता दीजिए कि CRJK के सर क्लास ले रहे हैं, है ना, रजनीश कुमार सर का क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा वीडियो सीरीज हम चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कुछ और भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप उसको जो है ना, मतलब आप बताते रहिए दोस्त को। प्रमोट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार में लग जाना है, बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो, आप अपने काम पे फोकस कीजिए बस, लेकिन बातचीत हो तो आप दोस्तों को बता सकते हैं, है ना। तो यहीं तक रखते हैं गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।